नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। स्वर्ग कोकिला शारदा सिन्हा ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बिहार की कोयल कही जाने वाली शारदा सिन्हा पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी और बीती रात उन्होंने पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया। इस वक्त बिहार में छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और कहते हैं कि छठ पूजा के लगभग सभी गीत शारदा सिन्हा के ही मधुर आवाज में गाए गए। अपने आखिरी वक्त में भी शारदा सिन्हा ने छठ महापर्व का ही गीत गुनगुनाते हुए बिहार के लोगों को अलविदा कह दिया। आज सुबह शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास राजेंद्र नगर पहुंचा, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतीश कुमार के साथ भाजपा के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे, विजय कुमार चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं मौके पर मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार के लिए यह एक अभूतपूर्व क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि छठ माई के लगभग सभी गीत शारदा सिन्हा के आवाज में ही गाए गए और अपने अंतिम क्षण में भी शारदा सिन्हा ने छठ माँ के लिए एक गीत लिखा और इस दुनिया को गाते हुए अलविदा कह दिया। अपने भावुक लफ्जों में अश्विनी चौबे ने कहा कि यह पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और इसे शायद ही पूरा किया जा सकता है। लोक संस्कृति का एक अध्याय, उसका पटाक्षेप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लोक संस्कृति के एक गायिका के रूप में जो पूरे विश्व स्तर पर इन्होंने जो बिहार की पहचान और लोक गाथा को जो आगे बढ़ाने का काम किया, ये सचमुच में अद्वितीय है। और मुझे लगता है कि बिहार और देश की बहुत बड़ी क्षति है और जब तक इस धरती पर सूर्य का अर्घ्य पड़ता रहेगा तो एक अर्घ्य डॉक्टर शारदा सिन्हा के नाम से जरूर लोग उन्हें याद रखेंगे। अनंत काल तक वो लाखों करोड़ों के दिल में बसी रहेंगी। बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कल भी वहाँ से ट्वीट किया और संवेदना स्वाभाविक है। इतने बड़े कलाकार और बहुत ही संघर्ष कर रही थी बरसों से, ब्लड कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन बहुत हिम्मत, इतना हिम्मत का मैंने देखा नहीं, कितना उस दुख में उस पीड़ा में भी। और अंतिम रचना जो उनकी आई है, दो दिन पहले रिलीज हुआ है, हमार छठी मैया दुख हरनी हमार, और सचमुच में छठी मैया ने उनके दुख को हर के अपने आंचल में बुला लिया और सचमुच में एक छन लाखों करोड़ों छठवर्ती के दिल में बड़ा ही कष्ट का अनुभव लोगों को होगा जब वो उनकी गीत नई नई रचना सुनने को लोगों को नहीं मिलेगा, तो लोग बड़े ही दुखी होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।